दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं गया था सिलचर और थोड़ा काम था, वो जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा डायरेक्टली घर जाके क्या करेंगे, थोड़ा डिटोर ले लेता हूँ। तो मैंने सिलचर करीमगंज रूट डायरेक्टली ना लेके सिलचर कलाइन रूट होके जा रहा हूँ और अभी मैं सिलचर और कलाइन के बीच में ही कहीं पर हूँ। तो धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है और सुबह बारिश था इसलिए मैंने चप्पल पहन के निकला और अभी तो धूप ने हालत ख़राब कर दिया है। अभी चलते हैं कलाइन तक, कलाइन जाके सोचूंगा कि थोड़ा पहाड़ों की ओर जाना है कि करीमगंज निकल जाना है। चलिए चलते हैं। इस रूट पे आज मेरा सेकंड टाइम है। अभी क्रॉस कर रहा हूँ बराक के ऊपर का ब्रिज। इस ब्रिज का नाम तो दिखा नहीं। राइट साइड में देखिए जयंतिया हिल्स दिख रहा है। मेरे बहन को जब सिलचर से लेने आया था फ्लड के टाइम, तब इस रूट से पहली बार आया था मैं और ये सेकंड टाइम जा रहा हूँ। और आज मैं निकला हूँ किसी डेस्टिनेशन के बिना ही। कुछ देर पहाड़ों में राइड करेंगे क्योंकि अगर अपने पास टाइम है तो वो वेस्ट क्यों करना है, घूम के उसे यूटिलाइज किया जाए। ये कुछ तो मार्केट में आ गया मैं, बरजात्रापुर। अच्छा तो ये हो गया बरजात्रापुर मार्केट। आज सूरज देव का मूड पूरा खिला हुआ है, क्या हीट में बरस रहे यार। जितना टाइम बाइक स्पीड में चल रहा है हवा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्लो करो बाइक, और इतना गर्मी लग रहा है कि पूछो ही मत। चलते पहाड़ों में जाएंगे तो छाव मिलेगा। यहाँ पे भी बीच बीच में पेड़ों के छाव मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस छाव में जब क्रॉस होता है एक ठंडी सी हवा लगती है। मार्केट है ड्राइव स्लो। ये कौन सा मार्केट आ गया मैं, कहीं पे लिखा हुआ है क्या, भंगरपार मार्केट कछाड़। नेक्स्ट शायद कलाइन मिल जाएगा। अभी एक छोटा सा पैच मिला, थोड़ा रोड ख़राब हो गया, ये बारिश की वजह से हुआ होगा, पानी जमा होके और पटहोल्स बन गए पूरे रास्ते में। और ये डेंजरस इसलिए होते हैं कि इसके आगे का रोड अच्छा है तो आप फुल स्पीड में आओगे और अचानक से पॉटहोल्स आ जाएगा सामने, तो इसलिए थोड़ा कॉशियसली चलाना चाहिए। पेड़ों की छाव में क्या मज़ा है, पहाड़ और क्लियर दिख रहा है ना, धीरे धीरे हम पास आ रहे हैं। क्या व्यू है यार, पूरा क्लियर स्काई और माउंटेन्स भी क्लियर दिख रहे हैं। गुवाहाटी से जितना भी सामान मेघालय होके सिलचर आता है बाई रोड, वो इसी रूट से होके जाता है। ये आ गया एक रेलवे क्रॉसिंग, ये तो सिलचर जिरीबाम रूट है शायद। और स्काई देखिए, पूरा ब्लू स्काई है। जयंतिया हिल्स अभी हमारे राइट साइड में है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल से, वो भी क्या दिन थे यार। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, शाम को खेलने जाओ। छाव में खड़े होके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने माउंटेन्स दिख रहा है, यह है जयंतिया हिल्स। और मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है चलाते वक्त, क्योंकि मेरे चिन माउंट की वजह से मैं हेलमेट का वाइज़र पूरा बंद नहीं कर पा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा हवा घुस रहा है तो विंड बफेटिंग का थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। देख रहे हैं आप लोग क्या पहाड़ों की चोटी में सफ़ेद बादल दिख रहे हैं और नीचे खेत, ऊपर नीला आसमान। और ये ट्रक था जो इतने टाइम से पीछे चल रहा था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों में जाना है ना, सिर्फ देखने से क्या होगा। वाइजर में जो गैप रह गया थोड़ा, उससे जब हवा स्पीड में घुसती है ना तो विसल जैसा सुनाई दे रहा है मुझे। ऑडियो में आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं कमेंट में बताइए मुझे। लगता है कालाइन पहुँच गया हूँ मैं। हाँ, जितने सारे चीज़ें मेघालय होके आती है सब कालाइन होके ही निकलना पड़ता है। कालाइन से डायरेक्ट चला गया करीमगंज और यहाँ लेफ्ट में जाएगा तो सिलचर, इसलिए इट्स रूट में ट्रक्स की भरमार रहती है। मैं बाइक लेके तीन चार बार आया हूँ पर इतना ट्रैफिक मुझे मिला नहीं कालाइन में। ट्रक्स के आसपास चलाना तो बहुत मतलब रिस्की काम लगता है यार, थोड़ा भी इन लोगों का टच हो गया तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब बिखर जाएगा। थोड़ा साइड देगा क्या भाई, या पूरा रोड तेरा ही है। कालाइन मार्केट क्रॉस कर चुका हूँ और अभी भी पूरा धूप है। 3:30-4 बजे तक देखता हूँ कहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद रिटर्न हो जाऊँगा क्योंकि अंधेरा होने तक
करीमगंज पहुंचना है। और ये इस रूट का एज यूजुअल सीन, ट्रक्स ही ट्रक्स दोनों तरफ। देखिए कितना सुंदर यार सीनिक व्यू लग रहा है ना, सीधा रोड, नीला आसमान और पहाड़ तो राइट में चला गया इसलिए सामने दिख नहीं रहा है। मुझे तो भूख लगने लगा है, अभी 2:30 बज गए होंगे और मैं 8:30 बजे खा के निकला था। तो सामने देखता हूँ कुछ अच्छे से ढाबे में, थोड़ा खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं पहाड़ों की ओर। मैं इस ट्रक के पीछे चल रहा था और अचानक से सड़क के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा आ गया। मुझे लगा रिम बैंड तो नहीं हुआ, पर चेक किया मुझे तो नहीं लग रहा बैंड हुआ है कि नहीं, और चलाने में भी कोई इशू नहीं आ रहा, तो आई थिंक सब ठीक है। अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं था, 40-50 के स्पीड में ही होगा। अगर ज़्यादा स्पीड में होता तो रिम टूटने का एक चांस था। और ये पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। सूरजदेव का हीट तो बरकरार है लेकिन हवा थोड़ा ठंडा हो गया है, और जितना पहाड़ चढ़ते जाएंगे उतना ही हवा और ठंडा होता जाएगा और व्यू और भी ब्यूटीफुल होता जाएगा। एंड दिस इज़ द व्यू मैन। रोड थोड़ा खराब है, चलता है। वाओ, दोनों तरफ देखिए चाय का प्लांटेशन है, और कितना इवन प्लांटेशन है ना, सेम हाइट के प्लांट्स है। और अभी तो बारिश का सीज़न है तो चाय पत्ती का सीज़न है, नया नया पत्ते उग रहे हैं। और यहाँ है पहाड़, द माइटी जयंतिया हिल्स, और उसके बीच में ये सुंदर सा रास्ता, साइड में है ट्रकों का मेला, और सामने से भी ट्रक ही आ रहा है, मेरे पीछे भी ट्रक ही है। चलो चलो आगे बढ़ो, अब जाओगे तो फिर तो हम जाएंगे ना। साइड होले भाई, हमको भी जाना है ना। अब देखिए सामने जयंतिया हिल्स दिख रहा है, ऊपर सफ़ेद बादल और नीला आसमान। टोल गेट है 500 मीटर्स यार, मैं 500 किलोमीटर्स बोल रहा था, क्या पागलपन। ये टोल गेट चालू नहीं हुआ है और टोल गेट के सामने ही रास्ता खराब है, क्या यार क्या टोल गेट बनेगा रे तू। यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो गया, ये लंबा सा ट्रेलर पेड़ की वजह से पलटा नहीं, पेड़ में अटका हुआ है। सामने थोड़ा छाव देख के थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि भूख तो बहुत लग रही है, पर आसपास कोई ढाबे का तो नामो निशान नहीं मिल रहा। यार पहाड़ में तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, धूल का पूरा कोहरा हो चुका है। माँ दुर्गा होटल मालीडोर, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, बहुत देर से भूख लग रहा था, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 3:00 बज चुके हैं, 3:30 बजे तक मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसके बाद रिटर्न हो जाऊँगा। वेल, तो मैंने खाना खा लिया पर खाना ज़्यादा अच्छा नहीं था यहाँ पे, और क्या करें भूख लगी खाना पड़ता है। पार्टनर और अब फिर से निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे रोड का हालत भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जो खाना खाया वो हजम हो जाएगा। ट्रक्स आ रहा है तो धूल का पहाड़ पीछे लेके आ रहा है। रोड का हालत देख के लग नहीं रहा बहुत जल्द व्यू अच्छा होगा। धूल मिट्टी का सिलसिला कंटिन्यू चल ही रहा है। सामने तो थोड़ा एक अच्छा पैच दिख रहा है वो टर्न से पहले, पर वहाँ से अच्छा है कि ये सिर्फ यहाँ से दिख रहा है पता नहीं चल रहा। मैं तो रोड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और मेरा वाइजर खुला था और ये भाई साहब धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। मैं अच्छे बच्चे की तरह रुका, फिर फ़ोन निकाला, और निकाल के मैं क्या देखता हूँ कि सर्विस सेंटर वाले फ़ोन कर रहे थे। इतने मतलब गलत टाइम में ये लोग फ़ोन करते हैं ना, दिमाग का दही बन जाता है। स्टेप हिल, हेयर पिन बैंड्स और उसके ऊपर रोड खराब ड्राइविंग के लिए, इससे टफ सिचुएशन। बस बारिश की कमी है, बारिश हो जाए तो वो भी पूरा हो जाए। कितना सुंदर पहाड़, बस ये रोड अच्छा होता तो ये व्यू और भी अच्छा हो जाता। टोल रोड प्रारंभ। यार ये व्यू तो देखो, ट्रक्स देखिए कितना बड़ा टर्न लेके आ रहा है, बस पलटना मत मेरे ऊपर। पहाड़ की वजह से शायद
धूप यहाँ पे गिरता नहीं होगा और इसलिए ये एरिया पूरा कीचड़ हो गया है। पर यार व्यू कितना अच्छा मिल रहा है ना, कितना सुंदर व्यू है। ये पहाड़ देखिए, यहाँ पे देखिए इस पहाड़ में कितना ऊपर से ये पानी आने का रास्ता होगा बारिश के टाइम पे, और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ होगा। ये देखिए मैं पूरा छांव में खड़ा हूँ और उस साइड में कितना धूप है, मुझे पहाड़ ने बचा लिया। यहाँ से तो रोड के नीचे से मिट्टी चला गया। इस साल के बारिश ने ना रोड को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। और ये तो पहाड़ों का हालत है, प्लेन्स में भी सेम सिचुएशन है। अभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और बहुत टाइम बाद अच्छा रोड मिला है। 8 साल पहले मैं यहाँ पे एक बार फंसा था, क्योंकि ये रोड पूरा तब कच्चा था, मतलब टारमेक का तो अता पता नहीं था, ख़राब हो गया था और एक ट्रक फंस गया था यहाँ पे, और उसके बाद 2-3 घंटे लगे ये ट्रक सही होने में। मुझे लग रहा है कि मैं मेघालय में एंटर कर चुका हूँ, मुझे एग्जैक्ट एरिया का पता नहीं चल रहा। सभी ML रजिस्टर्ड गाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी देखना ये टर्न लूँगा और सूरज पूरा मुंह पे आके लगेगा और ये आ गया। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है। कितना सुंदर व्यू है ना गाइस, पहाड़ों में कितनी हरियाली है और धूप जितना भी तेज़ हो लेकिन पहाड़ों में एक मतलब ठंडा हवा रहता ही रहता है। यहाँ आ गए हम राताचोड़ा चेक पोस्ट। ये है राताचोड़ा पुलिस चेक पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। तो मेघालय में मैं ऑफिशियली एंटर भी कर जाऊँगा, पर मुझे करना नहीं है, मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। मैं राताचोड़ा पुलिस आउटपोस्ट तक गया था मेघालय का, तो मैंने सोचा वहाँ पे खड़े होके थोड़ा फ़ोटो लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट में थे पुलिस मैन, उन्होंने बोला कि नहीं मेरे सार बहुत गुस्सा कर लेंगे, ऐसे कैमरा वैमरा देखा तो आप यहाँ से चले जाओ। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, सामने कोई अच्छा सा लोकेशन देख के रुकते हैं और वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच लेंगे। वैसे तो यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा है, सारे लोकेशन ही बहुत अच्छे हैं, वहाँ राइट साइड पे रुकता हूँ। यार ये ट्रक्स तो बहुत स्पीड में आते हैं। और यहाँ पे देखो क्या हालत है, और बहुत नीचे से पानी जा रहा है पर आवाज़ यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे रास्ते के साइड से पूरा मिट्टी खिसक गया है। आगे भी देखा था रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो मैं राताचोड़ा पुलिस आउटपोस्ट तक गया था, लेकिन वहाँ पे जो गार्ड ड्यूटी पे था उन लोग, उन्होंने बोला कि उनका सर बहुत गुस्सा कर लेंगे, ऐसे कैमरा देखा तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप चले जाओ वापस। तो मैंने भी सोचा और आगे तो वैसे भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेघालय में एंटर करेंगे तो वो एंट्री कराना पड़ेगा, और अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे बेकार में एंट्री करवाने के क्या फायदे। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते, यहाँ पे पेड़ों के छाव में थोड़ा देर रेस्ट करते और उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे। ये देखिए पहाड़ कितना बड़ा है और कंटिन्यूस ऐसे ट्रक्स पास हो रहे हैं एक के बाद एक, इधर से एक गया तो उधर से एक आया। आज का ये ट्रिप पूरा अनप्लैंड था, मैं सिलचर से ऐसे ही निकल गया कि चलो चलते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। तो अच्छा लगा इतना दूर आया, बस ये रोड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पर व्यू तो बहुत अच्छा मिला। मैं यहाँ पर कुछ देर रुका और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। शाम के 4 के आसपास हो जाएगा टाइम, तो इसलिए और लेट करना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पे कहीं तो इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, अभी लेके जा रहे हैं इसको उठा के। मेरे चिन माउंट में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, बार बार ये ढीला हो जा रहा है, इसका कुछ तो पेच खराब हो गया। तो देखते हो जाते टाइम कितना दूर रिकॉर्ड कर पाऊँगा पता नहीं चल रहा। मेरे सामने के टायर के हवा कम हो गया है, शायद वो जो गड्ढे में झटका लगा था उसकी वजह से। और ये चिन माउंट में भी कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है, तो कहाँ तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि खराब रास्तों में और भी ज़्यादा हिलेगा ये। ये देखिए ट्रक का हालत। यहाँ देखिए पहाड़ से काट के
पत्थरों का ढेर लगाया गया है। पहाड़ों का ये एक मज़ा है ना, आप जाते टाइम एक नज़ारा दिखेगा, फिर अगर आप रिटर्न करते हो तो यह नज़ारा बदल जाता है। ये देखिए मेघालय का कोयला, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय कोयला के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारा कोयला मिलता है मेघालय के पहाड़ों में। कोई हवा चेक करने वाला दुकान तो मिल ही नहीं रहा है, टायर प्रेशर बहुत कम हो गया है, थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। क्या सुंदर नज़ारा है ना भाई। ये लास्ट टाइम मैं इस चिन माउंट को सही कर रहा हूँ, अगर उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम किया तो इसे उतार के बैग में रखना पड़ेगा। सिलचर इज 58 किलोमीटर और मुझे तो जाना है करीमगंज। करीमगंज भी ऐसा ही होगा 50 के आसपास। यहाँ पे काम चालू है, रिपेयरिंग वर्क्स चल रहा है। ये ट्रक रास्ते के बीचों बीच ख़राब हो गया, ये पहाड़ों में होता रहता है। और ऐसे जगह के अगर जगह में अगर ख़राब हुआ ट्रक तो आपको जल्दी से जल्दी हेल्प भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आसपास लोग नहीं होते, पहाड़ों में बहुत दूर दूर तक आपको लोग नहीं मिलेंगे। मेरा पार्टनर तो अभी तक सही है। ये देखिए धूल का बवंडर, और उसका वजह है ये बड़ा वाला ट्रक। आज तो घर जाके मुझे सर्दी आने वाली है, बहुत सारा धूल जा रहा है नाक में। अभी बाइक का हवा चेक करवा लेते हैं, क्योंकि सामने का हवा चला गया उस जो झटका लगा था मुझे कालाइन में, उस झटके की वजह से। बाइक के यहाँ देखिए कितना सारा धूल जमा हुआ है, ये देखिए हालत, इसे धुलवाना पड़ेगा आज के ट्रिप के बाद। हवा भर रहे भाई, उसका हवा पूरा 5 के नीचे चला गया। पीछे वाले का हवा सही है, पर फिर भी एक बार चेक करवा लेंगे। तो मेरा हवा चेक हो गया और ये चिन माउंट बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी इसे उतार के अंदर रख देंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे देखिए टी प्लांटेशन है, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुका था पेड़ के छाँव में और टी प्लांटेशन के बीच में। तो अभी मेरा चिन माउंट जो था वो बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार वो कुछ ढीला हो गया है उसका पैच, तो इसलिए मैं और शूट नहीं कर पाऊँगा बाइक चलाते वक्त। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलता रहे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।